आज की मेरी रेसिपी है कस्टर्ड ड्रिंक मिल्क, जो काफ़ी एनर्जेटिक और बहुत ठंडा है। गर्मी के सीजन भी आ गए और होली के फेस्टिवल भी। ये ड्रिंक मिल्क इतना टेस्टी और इतना ठंडा है कि एक बार आप अपने गेस्ट को पिलाएंगे तो आपसे जरूर पूछ के जाएंगे। इस ड्रिंक मिल्क में आपको तीन तीन चीज़ों का टेस्ट मिलेगा, एक तो कस्टर्ड, दूसरा ठंडाई और मिल्क शेक। ऊपर से ये 10 मिनट में सिर्फ 10 से 15 गिलास ये बनके तैयार होता है। ये काफ़ी टेस्टी और बहुत कूल होता है। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि, कुक एंड ब्लॉग विथ अंजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंडा ठंडा कूल कूल एनर्जेटिक कस्टर्ड मिल्क बनाने के लिए हम पहले एक मिक्सर का जार लेंगे और एक कप को सेट कर लेंगे, जिसे एक कप चीनी लेंगे। जिस कप से हम चीनी लेंगे यानी शुगर लेंगे, उसी कप से हम कस्टर्ड लेंगे, कस्टर्ड पाउडर, जिसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। तो हमने वनीला फ्लेवर का लिया है। सेम कप से हम आधा कप लेंगे, ये मार्केट में बिल्कुल ईजिली मिल जाता है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसमें आलमंड, मगज सीड्स, काजू और पिस्ता है। इसमें से कोई भी ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, उसको पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए एक चम्मच इलायची पाउडर लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर में इसे बदल देंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर रहेगा तो हमारा मिल्क काफ़ी रिच और बहुत हेल्दी बनके तैयार होगा। ये अच्छे से रेडी हो गया है, इसे एक बाउल में अब हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे 4 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 ईयर तक भी रह सकता है। इसमें कटे हुए पिस्ता और आलमंड ऐड कर देंगे, इसे थोड़ा और रिच और काफ़ी हेल्दी बनाने के लिए। इसके बाद आप चाहो तो इसे एयर टाइट डब्बा में रख सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस को करते हैं। तो हम एक कढ़ाई को बैठा लेंगे और कढ़ाई में हम रूम टेम्परेचर में रखे हुए मिल्क को ऐड करेंगे। आप चाहो तो ऐसे मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक बॉइल तो लेना ही है इसमें। इसमें से हम 4 से 5 चम्मच निकाल लेंगे इसमें कस्टर्ड को अच्छे से घोलने के लिए। जब तक कस्टर्ड को घोलेंगे तब तक इधर मिल्क भी हमारा अच्छे से बॉइल हो जाएगा। तो जितना ग्लास हमें बनाना है कस्टर्ड ड्रिंक, उतना चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर लेंगे। तो हमने 4 ग्लास बनाया है तो इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड मिल्क लिया है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से डालने के बाद हम राउंड एंड राउंड करके इसे बिल्कुल घोल लेंगे, ताकि इसमें एक भी लंग्स ना रह जाए। लंग्स रह जाएगा तो ये कस्टर्ड मिल्क में बीच बीच में ये मिलेगा। बिल्कुल अच्छे से देखिए, हमारा मिल्क भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और धीरे धीरे करके इसे चलाते चलाते हम मिलाएंगे। बिल्कुल एक ही बार नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो गाढ़ी हो जाएगी, बीच में थिकनेस सब पड़ जाएगा। और इसे अच्छे से चलाते चलाते इसका कलर देखिए बिल्कुल हो गया है चेंज। बिल्कुल ऐसा कलर आने के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे, हमें बिल्कुल गाढ़ी नहीं करना है, हमें बस इसका ड्रिंक तैयार करना है। तो हल्का जब ठीक हो जाए तो हम इसे चेक कर लेंगे। तो हम देखिए स्पून पे इसे चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये कंप्लीट रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल के एक बाउल में ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी ड्रिंक मिल्क बहुत अच्छा लगता है। ये अब ठंडा हो गया है, इसमें 1 चम्मच हम रोज वाटर मिलाएंगे, क्योंकि मिल्क शेक में रोज वाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें 2 चम्मच हम गुलकंद मिलाएंगे, जो कि गुलाब की पंखुड़ी से बनता है। ये इजली ग्रोसरी शॉप पे या फिर पान के दुकान पे तो मिल ही जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे टेस्ट के लिए किशमिश और थोड़ा गुलाब की पंखुड़ी को मिलाएंगे। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो मिलाइए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो कस्टर्ड ड्रिंक मिल्क है पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसे अब हम सर्व कर देंगे, आपके घर आए मेहमान आपसे जरूर खुश होके जाएंगे। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग कभी आप भी इसे ट्राई करिएगा, या फिर इस होली तो आप ट्राई करिएगा ही। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कस्टर्ड ड्रिंक मिल्क बनके कैसा तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि। फ्रेंड्स, आप इस ड्रिंक को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत।